रे टिंगू, टिंगू अरे करना फूंक मारना। मीनू दादा और बापा होते तो और मजा आता। अरे ठीक है ना, तू उनके साथ बाद में केक काट, अभी ये काटना, चल मारना फूंक, कम ऑन। उनको तो पता ही नहीं चलेगा ना आज मेरा बर्थडे है, वो तो पिकनिक पे गए है ना। अच्छा उन लोग को मालूम नहीं है क्या तेरा बर्थडे है? तू टेंशन काय को लेते हो, मैं तेरे पापा को बता देगा। ठीक है एक छत्ता फालतू की बकवास मत कर, कुछ मखेड़ा मत खड़ा कर। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इधर हैप्पी बर्थडे अभी केक काटने का बोल रहा है ना। मैं मुझे ना तुझ पे कोई भरोसा ही नहीं, चुप रह। सभी आना केक काटो। हां चल अभी 1 2। अब कौन आया होगा? मैं देखता है आके अपन फिर केक काटेंगे। ठीक है आया मैं, रुको। आप कौन? पहचान को I'm sorry, आपको पहचाना नहीं। आप पहचान? अरे जवान साहब मैं जगदा माने, मतलब ऐसा लाल नाक लगाया, ऐसा जोकर का कपड़ा पहना, तू पहचानेगा नहीं मेरे को? क्या ऐसा कैसा पुलिस वाला बनेगा? इसलिए होता क्या है मालूम जवान साहब, ऐसा क्रिमिनल लोग ऐसा बाहर घूमते है कि नहीं? क्या हुआ? चलना जोकर हट। आपका बर्थडे बड़ा अब मेरा गिफ्ट नहीं रहा है, बताओ ना मेरा गिफ्ट क्या है? मुझे तो लगा था आपको तो मेरा बर्थडे पता ही नहीं होगा। क्या करूं बड़ा, मुझे तो पता ही नहीं था कि आज आपका बर्थडे है, इसलिए मैं आपके लिए कोई केक या गिफ्ट नहीं लेकर आया हूं। बताया ही नहीं क्या था मुझे? आप अपनी आई से पूछो ना कि उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया। जाओ बड़ा पूछो, पूछो अपनी आई से। अरे आपने क्यों नहीं बताया पापा को आज मेरा बर्थडे है? बोलो ना आई, बताओ ना सभी की आई, आपने सभी के बाबा को क्यों नहीं बताया कि आज सभी का बर्थडे है? बताओ ना आप इसके बाबा के बिना उसका जन्मदिन क्यों मना रही थी? बताओ ना प्लीज। सभी आज के दिन के लिए कितना कुछ प्लान किया है ना? तो तुम्हारे और भी प्लान्स हैं। सभी की आई ने सभी के जन्मदिन पर उसके बाबा के बिना प्लान्स बनाए हैं। लेकिन क्या सभी अपने बाबा के बिना अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती है? नहीं। तो जब बर्थडे गर्ल को ही अच्छा नहीं लगेगा ऐसा, जब मजा ही नहीं आएगा, तो सारे प्लान्स बेकार हैं। और ऊपर से अब मैं आ गया हूँ, और सभी भी चाहती है कि वो अपना बर्थडे अपने बाबा के साथ सेलिब्रेट करे, तो मैं सभी को यहाँ से लेके जाऊँगा। सभी अपने वीनू दादा, अपने फ्रेंड्स, अपने स्कूल टीचर्स के साथ पिकनिक पर जाकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेगी, जैसे बाकी सारे बच्चे करते हैं, जैसे नॉर्मल लोग सेलिब्रेट करते हैं, है ना सभी? सर, लेकिन पापा मैं तो पिकनिक ही नहीं जा रही हूँ। ऐसा किसने कहा? तुम पिकनिक पर जाओगी और अपना बर्थडे सेलिब्रेट करोगी। लेकिन आईने तो मना किया था। अच्छा एक और बार पूछो ना। आई मैं 3 करोड़ की पिकनिक का सभी की आई, जवाब दो ना। खैर कोई बात नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि आपकी आई को जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। आज जो भी डिसीजन लोगे वो आप लोगे।
क्योंकि आप बर्थडे गर्ल हो। और बर्थडे गर्ल का मतलब क्या होता है? वो क्वीन होती है, और क्वीन के फैसले के आगे किसकी चलती है। आजा बड़ा, बड़ा आज आपका जो मन करे आप वो करो, ठीक है? आई आपका मना नहीं करेगी। अब बताओ ना आपको क्या करना है। आई हाँ ही बोलेगी, और अगर ना बोलेगी तो आपके बाबा है ना, हाँ करवा लेंगे। बोलो। हैप्पी बर्थडे बच्चा। थैंक यू बाबा। मेरी बेटी का पहला बर्थडे है मेरे साथ, वो भी मिस कर देता। I love you, my princess. I love you too, Baba. जाओ, जाके चेंज कर लो, रेडी हो जाओ पिकनिक के लिए। जाओ। मैं तो लेती हूँ। बड़ा नवारी साड़ी में थोड़ी ना पिकनिक पर चलोगी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। चलो जाओ, रेडी हो जाओ। आई भी चेंज करके पिकनिक जाऊँ। सभी, मैंने कहा ना चेंज कर लो, मतलब चेंज कर लो। जाओ। अच्छा सभी, मैं तुझे तैयार करती हूँ, जा। सही। मैं क्या बोलता है, केक जो है वो ऐसा पैक कर देते हैं, अभी वो पिकनिक को जाएगी तो दोस्त लोग को केक देगी। तेरे को कितनी बार मना किया है मैंने, अपनी गंदी जुबान से मेरी बेटी का नाम मत ले, मतलब मत ले। ये था तुम्हारा प्लान, तुम मेरी बेटी का बर्थडे, उसका जन्मदिन उसके बाबा के बिना मनाना चाहती थी, वो भी तुम्हारे क्रिमिनल दोस्त के साथ। सही, तुम ऐसा करने के बारे में तो जवान साहब, इसमें ना सही की कोई गलती नहीं है, सही को तो मालूम भी नहीं था मैं आने वाला है। देर से बात की मैंने, तो सही और मेरे बीच में क्यों आ रहा है, हमारा मैटर है ना। ए बाबा, बीच में नहीं आ रहा है मैं किसी के, सही के लिए खड़ा है इधर बस। देख भाई, तेरे को मेरे इधर आने से तकलीफ है ना, तो मेरे को बोलना, वो सही को क्यों बोल रहा है। तेरे को जो करना है मेरे साथ कर, मेरे को मारना है वैसे कर, मार, हमेशा की तरह वही करता है तू, हाँ तो मैं चुपचाप मार खा लेता हूँ, हमेशा की जैसा करते है ना, उसको क्यों बोल रहा है, उसकी कुछ गलती नहीं है। तू मुझे सिखाएगा, तेरे जैसा क्रिमिनल मुझे सिखाएगा, अबे जोकर। तो जोकर ही है ना मैं, देख ना जोकर के कपड़े पहन के आया ना मैं, तो मैं सबको ना हंसाने के लिए इधर आया है, तो किसी के आग में आंसू नहीं आने देगा मैं। वो चौहान साहब, आपको जो करना है मेरे साथ करो, गलती सारी मेरी है, सही का कुछ फॉल्ट नहीं है इसमें। चुप कर वरना छोड़ूंगा नहीं। देखो, मुझे आप दोनों का तमाशा मेरे घर में नहीं चाहिए। जगदा तू जाया से। मैं उसको समझा रहा है, मैंने क्या किया जगताप, मैंने कहा ना तू जाया से। ठीक है, जाता है मैं। बाहर खड़ा है मैं। हाँ तो खड़े रहे बाहर, किसी दिन हत्या चढ़ गया ना मेरे, खड़े रहने के लायक नहीं रहेगा, चल निकल। ए जवान, जगताप जाया से। हाँ ठीक है। सी औरत हो तुम, इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हो? अरे तुमने मेरे बारे में नहीं तो कम से कम अपनी बेटी के बारे में सोच लिया होता। क्या सभी का हक नहीं बनता कि वो अपने बाबा और अपने दादा के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करे? तुमने मुझसे उसका बर्थडे छुपाया? रियली? देखिए विराट, अब मेरी बात बस। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस सही सुशी? इतनी जरूरी बात छुपाने की हिम्मत कैसे हुई? अब मैं तुम्हें दिखाता हूं मैं क्या करूंगा। अब मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ दे रहा हूं। तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे ये बात छुपाओगे और मुझे पता नहीं चलेगा? क्या मिला तुम्हें ये बात छुपा कर? क्यों किया तुमने ऐसा? क्योंकि
क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि सभी के इर्द इर्द वो लोग रहे जिनके दिल में उसके लिए नफरत का जहर भरा है। मैं नहीं चाहती थी कि उस दिन जो हुआ वो दोबारा हो, खास तौर पे उसके जन्मदिन के दिन। एक मिनट, तुम कहना चाहती हो कि सभी का मेरे और मेरी बीवी बाकी के पास रहना उसके लिए वो ठीक नहीं है, वो अच्छा नहीं है, बुरा है, और हमारे दिल में नफरत का जहर भरा हुआ है, यही कहना चाहती हो? देखिए आप मेरी बात को नहीं, अब तुम अपनी बात को मत घुमाओ। तुम ये कहना चाहती हो ना कि सभी का तुम्हारे और तुम्हारे उस क्रिमिनल दोस्त के पास रहना ठीक है, लेकिन मेरे और मेरी पत्नी के पास रहना ठीक नहीं है, वो अच्छी बात नहीं है, यही है ना तुम्हारा मतलब? कि सभी पर उस जगताप से ज्यादा बुरा असर बाकी के पास रहने से होगा। वाह सही वाह, सलाह है तुम्हारी सोच पर। ये ख्याल अपने दिमाग में से हटा देना कि तुम मुझे मेरी बेटी से दूर कर सकती हो। आज जो तुमने घटिया कोशिश की है ना, इसका हिसाब तुम्हें चुकाना पड़ेगा।